वंडरफुल चिल्ड्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माई किड्स वी शुड बी प्राउड दैट वी बिलोंग टू दिस कंट्री हुज डन सो मच इन सो लिटल टाइम एंड दिस कंट्री जनरेट्स द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड और आप वो बेस्ट डॉक्टर्स में से कोई एक बहुत जल्दी होने वाले हो सो कंग्रेचुलेटिंग यू फॉर बींग अ नीट एस्पिरेंट एंड अ वेरी सोन अ नीट रैंक या सो टुडे आई हम गोन बी टॉकिंग अबाउट आपने देखा है कि मैम पिछले कुछ दिनों में आ, कुछ ऐसी बातें बता रही हैं इन डेप्थ जो अक्सर एक अच्छे बच्चे के लिए जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है उसके लिए भी काम आती है और एक जिसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है टॉपर वाली नहीं है उसके लिए भी काम आती है हमें किसी ना किसी तरह अपने लक्ष्य को पाना है विदाउट एनी सेल्फ डाउट और एनी सॉर्ट ऑफ लेबलिंग आवर सेल्स दैट वी आर नॉट गुड इनफ और अब कुछ ही महीने बाकी हैं इन सेवेंथ मे 2023 ट्वेंटी थ्री विच इज द लाइफ चेंजिंग डे फॉर ऑल ऑफ यू है ना अब आज बात करेंगे कि नीट टॉपर और दूसरे बच्चे में डिफरेंस क्या होता है क्या वो डिफरेंट दिखते हैं क्या उनका डीएनए अलग है क्या वो कहीं और से पढ़ाई करते हैं किसी और प्लानट से या उनके पास कुछ ऐसा स्पेशल है ये आज के सेशन में बात करेंगे इस सेशन को ज़रूर ज़रूर लाइक कर देना लाइकड वीडियोस में स्टोर कर लेना जब भी कभी डीमोटिवेटेड फील हो या खुद पर खुद की तैयारी पर खुद पर अपने लक्ष्य पर अपने ड्रीम पर ही अगर डाउट होने लगे तो फटाफट इस वीडियो को ज़रूर देख लेना ये आपके ये आपको ना सिर्फ मोटिवेट करेगी बट आपको एक रियलिटी भी बताएगी कि एक्चुअली रियल पिक्चर जो हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं जो हमारे दिमाग की एक गेम uh, होती है वो नहीं है बट गेम तो कुछ और है तो अब मैम uh, ना रोज एक रोज ऐसे सेशंस कर रही हैं रेगुलरली जिसमें हम वी टॉक अबाउट द ट्रूथ वी टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन अबाउट दिस नीट एग्जाम और ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम कोई ऐसे फैक्ट्स या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर एग्जाम सेंटर में ना जाए जो हमारे हित में नहीं है है ना एंड ऐसा हो सकता है आज के वक्त में कि आपके फ्रेंड्स आपके आसपास वाले लोग आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या डाउट का सोर्स दे दें जिससे आपकी तैयारी में भी अड़चन आए और सिलेक्शन में तो फिर आएगी ही आएगी तो ये सेशन बड़ा जरूरी है इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा हाँ अब बच्चों मुझे ये भी मालूम है कि आप में से कई लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है फटाफट मुझे चार्ट बॉक्स में बताइए कि कौन है जो अभी बारहवीं में है हु ऑल आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड विल बी अपियरिंग फॉर द ट्वेल्थ बोर्ड्स देर आर वेरियस देर बी वेरियस स्टेट बोर्ड्स देर बी सी बी एस ई आई सी एस ई और आई सी एस ई या तो आपके ट्वेल्थ बोर्ड्स uh, के एग्जाम है आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आकाश बाईजूस हैज एन एक्सट्रीमली गुड न्यूज ऑल दो हमने टेंथ और ट्वेल्थ बोर्ड्स दोनों के लिए ये लॉन्च किया हुआ है दिस प्रोग्राम इज फॉर टेंथ बोर्ड्स एज वेल एज़ ट्वेल्थ बोर्ड्स सो यू कैन फ्रीली शेयर इट विद योर जूनियर्स इन योर स्कूल योर सिबलिंग्स इन योर फैमिली योर कजन्स योर नेबर्स जो भी टेंथ बोर्ड्स के लिए अपियर हो रहे हैं बिकॉज़ वी वॉन्ट हर साल ऐसा ही होता है बोर्ड्स में भी आकाश बा, बाईजूस के बच्चे टॉप करते हैं और फिर आगे जाकर नीट एग्ज़ाम में तो आप लोगों को पता ही है कितनी बार आपसे रिजल्ट हम लोगों ने शेयर किया ही है तो बच्चों दो ऑल इंडिया मॉक बोर्ड एग्जाम टेस्ट सीरीज़ फॉर ट्वेंटी For 2023 has been launched by Akash Bajaj. This mock test series will happen between 5th and 12th of February. Dates ज़रूर ज़रूर कैलेंडर में मार्क कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आप 100% स्कोर करें। और इन मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी के बारे में बशर्तिया पता लगेगा इसमें हमारी जो टीम है आकाश की उन्होंने पुराने बोर्ड एग्जाम्स का बड़ा अच्छे से एनालिसिस किया, किया है और आपके मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पे हमने बनाए हैं ये देखिए इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम पैटर्न और इफ यू स्कोर वेरी वेल यू आर अ रैंकर तो यू हैव अ चांस टू विन द नीट कोर्स आकाश भाईजूस का नीट कोर्स आपको फ्री uh, में मिल सकता है अभी के अभी रजिस्टर कर लीजिए लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज़ फोर्थ ऑफ फेबररी इज़ फोर्थ ऑफ फेबररी तो आज का सवाल ये है कि क्या जो नीट में टॉप करते हैं जो हमारे लट से टॉप टेन रैंकर्स हैं अब आप बोलोगे मैम पेन चेंज कर लो तो मैम कर ही लेंगी भाई जो टॉप टेन रैंकर्स हैं उनमें क्या ऐसा अनोखा होता है जो बाकियों में नहीं है भाई जिसकी सिलेक्शन नहीं हुई है उसमें हंड्रेड रैंक में फाइव थाउजेंड रैंक में तो क्या ये टॉपर बचपन से ही इस किस्मत को लेकर आता है कि मैं एक दिन बड़े होके नीट के एग्जाम में टॉप करूंगा और उसको तो कुछ करना ही नहीं होता है क्योंकि उसके डीएनए में वो जीन है कि उसने टॉप ही करना है तो ऐसी इजम्पन बहुत हानिकारक है एब्सोल्युटली गलत है झूठ है कभी भी टॉपर्स आर नॉट बोर्न इंटेलिजेंट एक छोटा बच्चा आप कभी ऑब्जर्व कीजिए छोटे बच्चों को खेलते हुए हर छोटा बच्चा जो सेम गेम खेल रहा है है ना छोटे बच्चे गेम खेलते हैं चलो ऑफिस ऑफिस खेलते हैं चलो लोगोज खेलते हैं कोई भी ये लोग जो गेम्स खेलते हैं एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट एप्टीट्यूड्स ओके, एवरीबडी इज बॉर्न ये तो साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं इफ वी मेजर द आई क्यू लेवल्स इफ वी गिव डेटा इफ वी गिव नंबर्स टू द सो कॉल्ड इंटेलिजेंस लेवल आई क्यू लेवल इट इज एब्सोल्यूटली सेम ह्यूमन बीइंग्स। बहुत कम लोग होते हैं जो निकल के आते हैं जिनका आई क्यू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स से कुछ ज्यादा ही हाई होता है वो अलग बात है लेकिन नीट लेवल पे जो टॉपर्स है ना हैव ऐसा स्टडीज हुई है कि जितने भी कम्पेटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले लोग हैं इस देश के एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल जेई है नीट है यूपीएससी है उन सबका इंटेलिजेंस लेवल इज मोर और लेस सेम नेवर एवर पोज अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऐसा किसी को ना बोलने दे कि भाई इसका बच्चा या इसका फ्रेंड या वो इंसान क्लास में बड़ा इंटेलिजेंट है नहीं नहीं वो सेम है लेकिन वो उन्होंने जो उनकी चॉइस ली है लाइफ में कि भाई हम सबके पास वो 24 घंटे हैं हम सबके पास एक एनर्जी लेवल है इस एनर्जी अपने फोकस को मैंने आपको हमेशा बताया ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेन ऑफ अ डॉग एन एलिफेंट अ कैट in the sense that we have the ability to focus on an activity and create memories of things i can focus on one particular activity i can process the information while i am indulging in the activity or make memory create carlith next time using that memory i repeat the action or i apply that memory to a similar action सुबह ब्रश करने की मेमोरी आप लोगों को रजिस्टर हो चुकी है राइट बिकॉज यू हैव वंस फोकस्ड ऑन इट एंड नाउ योर मेमोरी देर इज अ हैबिट फॉर्मेशन तो ये ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ है एक टॉपर ने अपना फोकस अपने दो साल के सिलेबस पर लगाकर नीट के सिलेबस पर लगाकर उसकी डिफरेंट क्रिएट करी हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है वो ह्यूमन शक्ति जो आप में उसमें मुझ में हर ह्यूमन बीइंग में है उसी को ही उसने अप्लाई किया है इन दिस सो ये नहीं है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर ही वॉज बॉर्न विद सम स्पेशल जीन स्पेशल ऑर्गेन स्पेशल काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन नन ऑफ दैट इज हैपनिंग इट इज़ योर ओन डायरेक्शन भाई आपने इस डायरेक्शन में खड़े रहना है इस डायरेक्शन में इतने दायरे में जो जो हो रहा है संसार में आपके सामने इतने डिस्टेंस में इतने दायरे में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आपने वहां फोकस करना है फोकस करना आपकी फितरत है या आपने आप ये सोच लिया कि मैंने दो साल इस डायरेक्शन में ही काम करना है अपनी सारी एनर्जी वेकिंग एनर्जी अपना ध्यान अपना सुख अपना दुख इसी पे ही लगाना है दैट थिंग विल इंक्रीज वॉट यू विल पुट योर अटेंशन ऑन विल मल्टीप्लाई मरी मोर एंड मोर मेमरी वेन यू हैव टू प्रोसेस है ना जब आपके पास एक चीज एक कॉन्सेप्ट एक एक्शन की बहुत सारी मेमोरी क्रिएट हो गई है तो आप उसके मास्टर बन जाते हो फॉर एग्जांपल, इट कैन बी ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग पॉलिशिंग योर शूज टाइंग योर लेसेज यू डूट हैव क्रिएटेड अनगिनत मेमरी ऑफ दैट एवरी वन इज बॉर्न विद रफली द सेम रफली द सेम थोड़ा बहुत उन्नीस बीस होता है कई लोगों का बहुत ज़्यादा आई क्यू होता है दे ऑलवेज स्टैंड आउट बचपन से ही आपने सुना होगा कई सारे वंडर किड्स होते हैं यू नो दे कैन लर्न थिंग्स दे केन लर्न नंबर्स मैथेमेटिकल चैम्प्स बन जाते हैं कोई लैंग्वेज में चैम्प बन जाता है उसमें भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बट जो आपका कंपटीशन है जो आपका दायरा है नीट एग्जाम का आई एश्योर यू कि सबका सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी धुंधला टर्म आई वांट टू टेल यू देर इज़ द सेम मेंटल कैपेसिटी कैपेसिटी टू गेट द फर्स्ट रैंक आप अगर मैं तो चाहती हूँ आप किसी टॉपर अपने सीनियर के साथ जरा आधा घंटा जिंदगी में बिता कर देखिए आप उसके साथ आधा एक घंटा बिताकर देखिए पकड़िए किसी सीनियर को या देखिए इंटरव्यूज बिल्कुल सेम बात हो रही है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इट इज ऑलवेज मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इट इज द राइट थिंग टू डू एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस अगर ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है लाइफ में राइट थिंग सही काम सही जगह और सही समय पे की जाए बात बन जाती है तो वो कॉम्बिनेशन उसने तोड़ लिया है वो विनिंग स्ट्रीक विनिंग स्ट्रोक उसने अपना आइडेंटिफाई कर लिया है ऑपरचुनिटी सबके साथ सेम है ये बड़ी एक अच्छी बात है कि इस कंपटीशन में सबके पास दो साल हैं सबके पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है है ना मैं आपके लिए भी अवेलेबल हूं मैं टॉपर के लिए भी अवेलेबल हूं, हूं मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूं राइट right? तो अब तो वो एरा है वो टाइम है पहले क्या होता था किसी एक कोने में कोई अच्छा टीचर है भाई वो टीचर तो दिल्ली में है मैं तो जमशेदपुर में रहता हूँ मैं तो पटना में रहता हूँ वो क्वालिटी एजुकेशन वो बेस्ट बॉटनी का टीचर जोआलॉजी का टीचर कहीं केरला में है भाई मैं तो दिल्ली में हूँ इस तरह की बातें ना पहले होती थी नाउ यू हैव एक्सेस टू द बेस्ट एवरी हैज़ इक्वल एक्सेस एवरीबडी हैज़ इक्वल एक्सेस इक्वल ल ऑपरचुनिटी टू टीचर्स एंड टेक्स बुक्स एंड भाई एन सी आर टी जैसी टेक्स बुक का पी डी एफ आज अवेलेबल है कई साल पहले बीस तीस साल पहले पी डी एफ ही बुक्स का अवेलेबल नहीं होता था कई बच्चे बुक खरीदना तक एफोर्ड नहीं कर पाते थे इंटरनेट हर घर में नहीं होता था सिर्फ बड़े बड़े घरों में वेरी रिच पीपल यूज टू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स इंटरनेट आप जिस टाइम पे हो उस टाइम पे डॉक्टर बनना कोई एक बड़ा ऐसा कोई अन सपना नहीं है इट कैन बी इट इट इज इट इज वेरी इजी गिवन दैट यू हैव द परसिस्टेंस फॉर दीज टू ईयर्स आज हम बच्चे से सिर्फ टाइम मांग रहे हैं क्योंकि इंटेलिजेंट तो हर कोई है है ना आज गेम ये है कि भाई इतनी सारी अवेलेबिलिटी में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन में मैं कैसे दो साल कंटिन्यूसली फोकस तरीके से सही डिसीजंस ले सकूं, सही choices कर सकूं, सही टीचर के साथ जुड़ सकूं, सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाऊं, जिसने वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन कर लिया ना जो मैंने आपको बताया है उसकी जीत है सो इट इज द सेम फ्रीडम टू मेक ओन डिसीजंस, आपको किसी ने नहीं रोका है आपके साथ कोई फर्क नहीं है टॉपर को भी शाम को चार से पांच बजे तक फ्रीडम है ये चूज करने की कि वो टीवी देखे या वो बॉटनी की क्लास अटेंड करे आपको भी फ्रीडम है कि चार से पांच बजे आप ये चॉइस करो अपने फ्यूचर की तरफ क्योंकि आपका ध्यान अब उस डायरेक्शन में है यू आर डूइंग थिंग्स एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल कि आप चार से पाँच फेसबुक पे बैठो या आप अपनी तैयारी करो अपनी क्लास लो इतनी बात इस बहाने को कभी भी अपने आप को देकर कमजोर मत कीजिएगा सी वेन योर ब्रेन विल कितने लोग हैं मुझे बॉक्स में बताइए जिनकी ये टेंडेंसी है कि वेन एवर वी स्कोर लेस और वी हैव अ डाउट ऑन आर प्रिपरेशन और आर सेल्स फटाफट जैसे ही हमें बुरा लगना शुरू होता है ना हाँ यार यू आर नॉट स्टडिंग इनफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इनफ यू हैव नॉट बीन फॉलोइंग योर टाइम टेबल हमारा दिमाग उसको जस्टिफाई करने लगता है दिस इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी स्टार्ट जस्टिफाइंग आवर फेलियर्स जब हम जीत जाते हैं ना किसी चीज में तब तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है हम सोचते हैं वी डिजर्व टू विन हाँ मैं काबिल हूं हाँ मैं काबिल तारीफ हूं मैं अच्छा हूं मैं अच्छी हूं इसलिए मैं जीती हूं लेकिन जब हम हारते हैं तो हम हमारी अंदर की आवाज़ हमें बोलती है कि भाई जो तूने किया है वो तेरी गलती है तूने सही नहीं किया और जैसे ही हम उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं जिससे हम कोई सीख ले लें हमारा ब्रेन जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर देता है टू सेव सेंस ऑफ ईगो सेंस ऑफ सेल्फ नहीं और मैं ना मैं सही हूँ सर्कम गलत थे शायद इसके पास जिसने टॉप किया है उसके पास तो कोई एक्स्ट्रा उसके पेरेंट्स अलग थे उसके भाई बहन ने सपोर्ट किया होगा उसके टीचर्स बेटर होंगे वो ज्यादा इंटेलिजेंट बचपन से ही होगा उसके तो हमेशा 90. तो इस तरह की बहाने कभी भी आपको सिर्फ कुछ बड़ा बनने से रोकते हैं यानी कि कमजोर करते हैं टॉपर्स हैव हाँ मोर और लेस द सेम रिसोर्सेज वही बात है टीचर्स भी वही है बुक्स भी वही है प्लेटफॉर्म भी वही है लेकिन उन्होंने क्या किया है उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है उन्होंने उस कॉम्बो को बना लिया है कि मैंने ये कॉम्बिनेशन दो साल तक परसिस्टेंटली लगातार इस कॉम्बिनेशन को कि मैं सही काम करूंगा सही वक्त पे करूंगा मुझे पता है कि ये वो वक्त नहीं है जब मैं बाइक्स की फ़ोटो देख रहा हूं जब मैं डे ड्रीम कर रही हूं कि व्हाट इफ़ आई गेट इन टू एम्स डेली माय लाइफ विल बी सो गुड आई विल बिकम अ डॉक्टर या मैं फेसबुक पे टाइम स्पेंड कर रही हूं या मैं फ़ोन पे बातें कर रही हूं तो उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो अलग है बाकी सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कांस्टेंट है सिर्फ आप हो जो अलग है आपके जो एक्शंस हैं और चॉइसेस हैं सिर्फ वो अलग हैं बच्चों प्लीज आइडेंटिफाई द हार्श ट्रूथ ऑफ योर स्टोरी कि ये आप हो आप ही इसके कर्ता धरता हो और आप ही कुछ पा जाओगे खोने वाले भी आप हो पाने वाले भी आप हो इस बात को कहीं लिख के रख लें क्या उनके पास सेम एन क्या उनके पास सेम एम सी क्यू सेम पंखुरी मैम के नोट्स नहीं होते क्या सब कुछ सेम होता है उनके पास वो जो पी डी एफ आपको आकाशबाईजूज नीट चैनल पर मिलता है वो पूरे हम पूरे देश में सर्क्यूलेट करते हैं चाहे आप कहीं से भी हो चाहे आप कौन हो हम आपसे तो नहीं पूछा जाता ना कि क्या आप आपको पीडीएफ तभी मिलेगा पंखुरी मैम आपको तभी पढ़ाएंगी अगर आपके पास ये ये स्थिति है अगर आपका इतना स्कोर है अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हो अगर आपका ये नाम है ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है एक्चुअली आपका दिल जानता है एक बात और ध्यान रख लीजिए अगर आपको लगता है कि बचपन से आपके परिवार में आपके दोस्तों में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंटेलिजेंट था तो मैंने हमेशा चैनल पे ऐसे सेशंस किए हैं और आपको बताया कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट इनफ यू कैन बी सुपर इंटेलिजेंट बट इफ़ यू डोंट यूज योर टाइम वाइजली इफ यू आर नॉट स्मार्ट बिफोर इन एंड आफ्टर द एग्जाम तो भैया कुछ नहीं होने वाला है ओके सो अ टॉपर विन्स आप किसी के भी इंटरव्यू देख लो हमारे चैनल पे बहुत सारे टॉपर्स की इंटरव्यूज हैं दे हैव ऑलवेज सेड कि एक चीज़ जो मेरी लाइफ में कांस्टेंट थी वो था मेरा स्कीड्यूल और टाइम टेबल जिसमें मैंने किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी एक टॉपर हमेशा ये कहेगा कि स्टार्टिंग में मेरी केमिस्ट्री वीक थी मेरी बॉटनी वीक थी मेरी फ़िजिक्स uh, वीक थी तो मैंने उस पर ज़्यादा काम किया एक टॉपर हमेशा विल स्टार्ट अर्ली प्रेपरेशन वो ग्यारहवीं ख़त्म होने के बाद नहीं बोलेगा मेरा बैकलॉग हो गया है मैं क्या करूं और अगर बैकलॉग है तो वो उसको एक वॉरियर की तरह एक लड़ाई की तरह ट्वेल्थ में एक्स्ट्रा मेहनत करके कंप्लीट कर लेगा तो नो गिविंग अप एटीट्यूड आपको एक टॉपर में मिलेगा कभी भी लाइफ में गिव अप हो रहा हो ये वीडियो देख लेना खुद को रिमाइंड करवाने के लिए कि ये तुम हो जो अपनी किस्मत या तो बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो और अगर किसी का ये रीज़न है कि यू नो माय पेरेंट्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे फीस एंड टेक कोचिंग फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स तो आकाश बाईजूज नीट पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपके पास मॉक टेस्ट हैं आपके पास फ्री में नोट्स हैं आपके पास फ्री में डी पी पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो आकाश बाईजूज नीट प्लेटफॉर्म की आत्मा ही यही है टू मेक क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल फॉर एवरीबडी सिटिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री और वर्ल्ड हमारे पास लोग जम्मू कश्मीर कि उन जगहों से पढ़ रहे हैं जहां पर सेंटर तो दूर इंसान का रहना भी मुश्किल है बट वो किसी तरह फंसे हुए हमारे पास लोग नेपाल से हैं हमारे पास स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हैं बांग्लादेश से हैं जहां भी क्वालिटी एजुकेशन अभी भी पहुंच नहीं रही है तो फिनेंसिस आज नहीं मेरे टाइम पे एग्ज़ाम जब मैंने दिया था यस ओनली सर्टेन पीपल हैड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन बिकॉज फ़ीस देनी पड़ती थी बहुत हैवी तो आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई भी बहाना जो बाहर का है ना मैं आपको सीधी जो एक क्रिस्प बात इस सेशन का निष्कर्ष जो बताऊंगी अगर कभी भी दिमाग आपको आपके फेलियर का या आपके हार्डवर्क का बहाना एक्सटर्नल रीजन बताए तो समझ लेना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है और एक बात याद रखिए कि इन दो साल में अपने आप को बेशुमार गलतियां करवाइए गलतियां आप तब करवाएंगे जब आप लड़ाई लड़ेंगे जब आप टेस्ट देंगे जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे उसमें गलत आंसर देंगे हर क्लास में आएंगे टीचर से डांट खाएंगे शाबाशी पाएंगे अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो नीट 2022 की मिस्टेक को भूलना नहीं है गलतियों को भूलिए नहीं माफ कीजिए डू नॉट फिगेट Forgive yourself for doing that. Look beyond. Prepare yourself for 2023, but don't forget the lessons. Is that clear, people? So I hope कि आज आप अपने को टॉपर से कोई अलग नहीं समझ रहे हैं। ये एटिट्यूड अपने अंदर लेके आइए। हाँ यार, मैं भी टॉपर बन सकता। I just have to move a little bit. I have to Uh, do the right things and it will happen. यहाँ ये तो शुरुआत है। खुद पे विश्वास रखना इस द शुरुआत ऑफ़ विनिंग द गेम। You've not won, you still have a lot to do. Let me know in the comment section how is your preparation going on and ma'am will take all your doubts. Okay? Take care of your health, wealth and mind.